कानपुर अपहरण मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बर्रा थाने के इंस्पेक्टर रंजीत राय को हटा दिया गया है। लापरवाही के चलते इंस्पेक्टर रंजीत को हटाया गया। आपको बता दें कि 22 जून को अगवा हुए युवक संदीप का अब तक कोई सुराग नहीं है और इस बीच पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए थे। हालांकि परिवार ने जो सवाल खड़े किए गए हैं वो कितने पुख्ता हैं उसकी जांच होनी बाकी है। उससे पहले लापरवाही के चलते बर्रा थाने के इंस्पेक्टर रंजीत को फिलहाल मामले से हटा दिया गया है, क्योंकि एसएसपी साहब ने खुद इस बात का संज्ञान लिया था। इस मामले में कुछ टीमें बनाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है तेजी से, लेकिन फिलहाल इतने दिनों तक जो लापरवाही रही थाने के इंस्पेक्टर की, उस इंस्पेक्टर को फिलहाल इस मामले से हटा दिया गया है। तो ये देखिए, तीन तस्वीरें हटाई गई। इंस्पेक्टर जिनके पास ये मामला पहुंचा था, युवक का सुराग नहीं। बीच में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पिछले 22-23 दिनों से ये युवक जिसे किडनैप कर लिया गया उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। रोता हुआ परिवार, उसकी बहन युवक की, जो गिड़गिड़ा रही है कि मेरे भाई को जल्द वापस लाओ, लेकिन अभी फिलहाल चूंकि कोई सुराग ही नहीं है। हालांकि ये भी बता दें आपको कि R9 TV ने दिखाया था कि कैसे किडनैपर ने युवक के पिता से बात की और मोटी रकम फिरौती में वो मांग रहा था। पिता गिड़गिड़ा रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी रकम वो लाएगा कहां से।